नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा एक न्यू वैकेंसी के बारे में। स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकल कर आ रही है 2024 के लिए। कौन सी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, किस तरीके से आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, सैलरी आपको कितना दिया जाएगा, प्लस क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो। चलते हैं हम लोग सीधे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेगा ताकि आने वाली कोई भी जॉब अपडेट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। जितनी भी गवर्नमेंट यहाँ पर वैकेंसी आती है सबके नोटिफिकेशन यहाँ पर मैं लेकर आ देता हूँ, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो या संविदा हो या फिर परमानेंट वैकेंसीज हो, यहाँ पर सारे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर कार्यालय प्रचालय जवाहर नवोदय विद्यालय से यहाँ पर जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया हुआ है, जो कि जिला दमोह मध्य प्रदेश। अब शिक्षा मंत्रालय व अधीन व एक सरकारी संस्थान, यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाता है। 27 से 2024 को ये जारी किया गया था। अब संविदा आधार पर स्टाफ नर्स की यहाँ पे जो है ये भर्ती है महिला, आप देख सकते हैं यहाँ पे महिला की नियुक्ति जवाहर नवोदय विद्यालय हर जिला उसके बाद दमोह मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश व राज्य रिक्त स्टाफ नर्स महिला के पदों के लिए पूर्व संविदा आधार पर की जानी है। चयन के आधार शैक्षिक व सह शैक्षिक आवश्यक योग्यता व संबंधित विषय के अनुभव एवं सत्कार के आधार पर अंकों पर मेरिट ही होगी। तो यहाँ पे सीधा आपके प्राप्त अंकों पर मेरिट होगी। संविदा नियुक्ति हेतु योग्यता वर्तमान निम्नानुसार है। तो पद का नाम आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स, नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, संविदा है। यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं कितनी सैलरी दी जाएगी, तो 34,123 रुपये आपको यहाँ पे प्रति महीना दिया जाएगा, प्लस यहाँ पे 40,625 प्रति महीना दुर्ग क्षेत्र, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी काफ़ी अच्छी है। अब शैक्षिक व योग्यता आप देख सकते हैं, तो बीएससी नर्सिंग यहाँ पर जो है अगर आपके पास है तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो यहाँ पे वैलिड होना चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पर जो है आपके पास होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फॉर द नर्स और द मिडवाइफरी एनआरएम विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया, 2.5 ईयर एक्सपीरियंस इन द मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल आफ्टर किंग एबोव, 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आपके एज क्राइटेरिया है। प्लस नवोदय विश्वविद्यालय विद्यालय में स्टाफ नर्स के छात्र छात्राओं को देख रेख विद्यालय परिसर उपलब्ध, निःशुल्क आवास के स्थायी रूप से रहना अनिवार्य तथा विद्यालय में स्व संचालक के समय छात्र छात्राओं के साथ निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। निःशुल्क आवेदन यहाँ पर जो है किसी तरह की फीस नहीं लगनी है। अपनी सभी हस्तावली भी भरकर तथा शैक्षिक अनुभव के संबंध में पूर्णता दस्तावेज के साथ विद्यालय में ईमेल में आप यहाँ पर जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 28 से 2024 से सभी दस्तावेज निर्धारित से यहाँ पे जो है आपके आ जानी चाहिए, इसकी डिटेल्स यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन के 5 बजे से आवेदन मेल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कब तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो देख सकते हैं अपलोड की जाएगी वह हस्ताक्षर दिनांक 8/7/2024 एवं 9/7/2024 के पूर्व 10 बजे से शाम 4 बजे तक ऑनलाइन होंगे, जिसकी लिंक आपको पंजीयत ईमेल पे यहाँ पे भेज दी जाएगी। तो ये यहाँ पे जो है इसका अप्लाई करने का प्रोसेस है, ये आप देख सकते हैं, इसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको सारी चीज़ चेकआउट करने को मिल जाती है। तो वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है, ज़रूर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा। संविदा डायरेक्ट पोस्ट से आपकी ये 5 यहाँ पे पोस्ट हैं, काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे वैकेंसीज निकल कर आई है। अब कहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो वैकेंसीज वाले जैसे ही आप सेक्शन में जाएंगे वहाँ से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आप लोग को यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन पे चले आना है, जिसमें सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वहाँ से जो है आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ किस तरीके से जो है आप लोग को इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर जो इसमें यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन मिल जाएगा, जिससे आपको सारे ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। तो जैसे आप स्क्रॉल करेंगे नीचे यहाँ पर जो है आप लोग को इधर यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और यहाँ से जो है आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन था शॉर्ट नोटिफिकेशन, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। बाकी वैकेंसीज अभी यहाँ पे जो है और भी आनी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर बता दिया जाएगा। आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। शॉर्ट में मैंने आपको सारी डिटेल्स क्लियर कर दी है। कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इस चैनल पर जितनी भी वैकेंसीज आती है, चाहे वो NM यहाँ पे जो है एम से हो, NHM से हो, या फिर यहाँ पे जो है CGU की कोई वैकेंसी हो, सबके नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।